स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम दिस इज़ साइंस क्लास फॉर ग्रेड सेवन एंड आई एम हेयर मिस जेबिनसा योर साइंस टीचर स्टूडेंट टुडे आई एम गोइंग टू रिपीट द प्रीवियस लेक्चर प्रीवियस लिंग दैट वाज फेल्ड ड्यू टू माय वॉइस स्टॉपेज कि मेरी उसमें साउंड जो है आफ्टर टू मिनट्स जो है वो रुक गई थी बंद हो गई थी इसलिए मैं अपना वो टॉपिक जो है दोबारा रिपीट कर रही हूँ Uh, we are doing chapter number nine and the topic is energy resources uh, we have uh, uh, energy resources in our daily life are coal coela petroleum or crude oil and the natural gas these are the also called fossil fuels so today we are going to know how we can कंजर्व इनर्जी के हम इन एनर्जी रिसोर्सिस को कैसे महफूज कर सकते हैं कैसे इन्हें कंजर्व कर सकते हैं एज़ यू नो दैट फॉसल फ्यूज आर फॉर्म्ड आफ्टर मैनी ऑफ मिलियंस ईर्स आफ्टर मतलब बहुत सालों के बाद मिलियन ऑफ ईयर्स के बाद जो है ये बनते हैं और इनके बनने के लिए एक बहुत लॉन्ग टाइम पीरियड रिक्वायर्ड है तो अब हमें ये सोचना है कि हाउ कैन वी कंज़र्व दीज एनर्जी रिसोर्सिस और उससे पहले देर आर सम क्वेश्चंस कि हाँ आप जो है कुछ क्वेश्चंस हैं आपको उसका आंसर सोचना है मैं भी आपको बताऊंगी कि डज़ योर कंट्री हैव एन अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ फॉसल फ्यूल्स क्या हमारे मुल्क में फॉसल फ्यूल्स की अनलिमिटेड सप्लाई है कैदा सप्लाई ऑफ फसल फ्यूज़ भी इजीली रिप्ले रिप्लेनिश्ड वंस दे आर यूज अप और क्या uh, ये दोबारा रिप्लेस हो सकते हैं फोसल फ्यूज़ अगर ये एक दफ़ा सब के सब इस्तेमाल हो जाए तो वट विल बी योर आंसर योर आंसर इज़ अनसर्टन क्यों क्योंकि हमें नहीं पता है कि कब ये फसल फ्यूज जो हैं ख़त्म हो जाएंगे और कब जो है इनकी सप्लाई जो है वो रुक जाएगी और दूसरा रीजन जो है कि दिस फ्यूल्स आर वाइडली यूज सोर्सेज ऑफ एनर्जी इन द मॉडर्न वर्ल्ड और पूरी दुनिया में ये जो है सबसे बड़ा सोर्स है एनर्जी का बट दे टेक मिलियन ऑफ इयर्स टू फॉर्म एंड कैन नॉट बी रिप्लेस्ड इमीजिएटली वंस दे आर यूज अप और अगर ये एक दफ़ा यूज हो जाए तो आप उसको दोबारा से फ़ौरन से रिप्लेस नहीं कर सकते यू कॉन्ट फॉर्म देम फॉर दिस रीज़न फॉसिल फ्यूल्स आर नोन एज नॉन रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स इसलिए इन्हें फॉसिल फ्यूल्स को नॉन रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स कहा जाता है ऐसे एनर्जी रिसोर्स जिनको आप दोबारा नहीं बना सकते अब किसी को भी यह नहीं पता कि कब जो है जो फॉसिल फ्यूल्स की करंट सप्लाई है जो इस वक्त हमें मिल रहा है वो कब ख़त्म हो जाएगा द डिमांड फॉर फोसल फ्यूज कैन भी रिड्यूस फॉर कंजर्विंग एनर्जी और हम इसके आ, कम कर सकते हैं कि अगर हम इसको बचाएँ इन्हें कंजर्व करें सो देट द एग्जिस्टिंग सप्लाई वील एबल टू लास्ट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम और जितना हम बचाएंगे उतनी ज़्यादा देर तक हम उसको यूज़ कर सकते हैं तो टू कंजर्व एनर्जी वी को यूज़ एनर्जी केयरफुली और एनर्जी को बचाने के लिए हमें उसे केयरफुली यूज़ करना चाहिए उसे वेस्ट नहीं करना चाहिए सेकेंडली एनर्जी कंजर्व करने से हम रिड्यूस कर सकती हैं नेगेटिव अफेक्ट्स को जो कि हमें इन रिसोर्सिस को यूज़ uh, करने से नेगेटिव इफ़ेक्ट आते हैं क्योंकि जितने ज़्यादा ये फॉसिल फ्यूल बर्नस होते हैं सॉरी बर्न होते हैं उतनी ही ज़्यादा जो है कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है क्योंकि ये कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं दे आर मेड फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिज्म सो दे प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड ऑन बर्निंग तो ये कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं और जो आ, किस तरफ लीड कर दिए टू द्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेटिक चेंज उससे मौसम भी बदलता है और ग्लोबल वार्मिंग यानी पूरी दुनिया में जो है टेम्परेचर भी उसकी वजह से बढ़ रहा है और नेक्स्ट थिंग इज बर्निंग ऑफ कोल एंड ऑयल कैन रिलीज टॉक्सिक एयर पोल्यूटेंट एयर पोल्यूटेंट क्या होते हैं ऐसे पॉइजनस विचेक्ट विच हैव बैड इफेक्ट ऑन आर हेल्थ ऐसे दैट आर पॉइजनस और वो पॉइजनस होते हैं जैसे कि ये प्रोड्यूस करते हैं सल्फर डाइऑक्साइड गैस एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस और वो हमारी हेल्थ को डैमेज करते हैं और फिर ये जो गैसेस हैं ये आ, मिक्स होती हैं रेन वाटर के साथ वाटर वेपर्स के साथ एंड दे मेक एसिड्स सल्फ़र डाइऑक्साइड मेक्स सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड मेक्स नाइट्रिक एसिड और जब ये एसिड बनते हैं दे कॉज एसिड रेन जब ये वाटर में रेन वाटर में डिसॉल्व हो जाती हैं विच डैमेज आवर आर जिससे हमारी एनवायरनमेंट जो है वो ख़राब होती है तो थिंक ऑफ सम वेज हमें कुछ ऐसे चीज़ें सोचनी चाहिए इन विच यू हैव कन्जर्व इनर्जी इन डेली uh, लाइफ के हम अपनी डेली uh, लाइफ से जो है अपने इनर्जी रिसोर्सिस को कंजर्व कर सकें uh, उसमें ये जो है कुछ स्टेप्स हैं विच कैन वी टेक टू कंजर्व दिस इनर्जी फर्स्ट इज़ यूज इनर्जी सेविंग लाइट बल्ब्स और फ्लोरेसेंट लाइटनिंग इंस्टेड ऑफ इनकैंडसेंट लाइट अब इस दोनों में क्या फ़र्क है के एक बल्ब होते हैं जिन्हें एनर्जी सेवर कहते हैं दीज आर कॉल्ड फ्लोरेसेंट बल्ब इनके अंदर क्या होता है फ्लोरेसेंट का मतलब होता है रोशन चमकदार इनके अंदर एक फ्लोरेसेंट मटेरियल की कोटिंग होती है और इसके अंदर मर्करी वेपर्स होते हैं तो जब इसमें से करंट पास होता है तो ये एक्टिवेट हो जाते हैं वो करंट जो है मरकरी वेपर गैस को एक्टिवेट करता है और वो शॉर्ट वेवलेंथ की ब्राइट लाइट जो उस पर स्ट्राइक करते हैं मेटी फ्लोरेसेंट मटीरियल से और उससे लाइट प्रोड्यूस होती है दीज आर कॉल्ड एनर्जी सेवर्स इनमें कम एनर्जी यूज़ इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है और ज़्यादा एनर्जी ज़्यादा रोशनी प्रोड्यूस uh, होती है जो कि आप अपने घरों में आपने ये कॉमन एक्सपीरियंस भी किया होगा दूसरे बल्ब हैं इनकंडसेंट लाइटनिंग बल्ब ये ऐसे बल्ब होते हैं जिसमें एक कोई मेटल uh, का जो है फिलामेंट होता है और उसको जो है हीट अप किया जाता है थ्रू द इलेक्ट्रिसिटी और फिर उससे लाइट प्रोड्यूस होती है तो दे यूज मोर इलेक्ट्रिसिटी एज़ कंपेयर टू द फ्लोरजेंट एनर्जी सेविंग बल्ब ठीक है फ्लोरेजेंट का मतलब होता है जो चमकदार रोशन शॉर्ट वेव लेंथ बट मोर लाइट और इसमें फिलामेंट होता है दैट इज़ अप जिसको अप किया जाता है थ्रू द इलेक्ट्रिसिटी और फिर जो है लाइट प्रोड्यूस होती है इसमें ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है सो देर इज़ अ नीड टू यूज़ फ्लोरिसेंट बल्ब इंस्टेड ऑफ़ इनकंडसेंट लाइट बल्ब नेक्स्ट स्टेप आ जाता है कि हम कैसे एनर्जी सेव करते हैं कि आप यू शुड वॉक और यूज साइकिल इंस्टेड ऑफ़ योर प्राइवेट ट्रांसपोर्ट आप पैदल चलें अपना जो है साइकिल यूज़ करें बजाय इसके कि आप अपनी प्राइवेट जो है व्हीकल यूज़ करें दूसरा थर्ड पे आ जाता है थ्री आर स्ट्रेटजी यूज़ करें थ्री आर क्या है रिड्यूस चीज़ का इस्तेमाल कम करें री उसको दोबारा इस्तेमाल करें एंड रीसाइकल और उसको दोबारा से रीसाइकिलिंग करें फिर आ जाता है आ, आप सर्दियों में ज़्यादा गर्म कपड़े पहने बजाय इसके कि आप हीटर या गैस का इस्तेमाल करें और गर्मियों में आप आ, लाइट कपड़े पहने और बजाय इसके कि आप ज़्यादा एसी का यूज़ करें सो so, वेयर थिकर क्लोदिंग टू तो कीप वार्म एंड पुट ऑन थिनर क्लोदिंग टू तो कीप कूल इंस्टेड ऑफ़ यूजिंग हीटर और एन एयर कंडीशनर और जो है जल्दी पे आ, आ, गो टू योर बेड एट डस्क इंस्टेड ऑफ लेट यानी अर्ली गो टू तो बेड ए नॉट एट लेट नाइट टू सेव इलेक्ट्रिसिटी ताकि जितना जल्दी सोएंगे उतनी ज़्यादा जो है यू कैन सेव द इनर्जी अगर आपके माइंड में कोई और वेज हैं तो यू कैन हाउ यू कैन कंजर्व इनर्जी डू मस्ट शेयर विद योर पेरेंट्स योर टीचर हेयर इज अ क्वेश्चन फॉर यू हाउ डज़ द ऑटोमेटिक स्विच ऑफ एन इलेक्ट्रिक कैटल हेल्प्स टू कंजर्व uh, एनर्जी की एक अगर इलेक्ट्रिक uh, कैटल है उसका ऑटोमेटिक स्विच है तो उससे वो कैसे हेल्प करता है एनर्जी कंजर्व uh, करने में यू हैव टू थिंक अबाउट इट आई विल टेल यू अबाउट दिस इन नेक्स्ट लेक्चर दैट्स ऑल फॉर टुडे हैव एन नाइस टाइम अल्लाह हाफिज